नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में आपको बता दें कि भयानक दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बारात के फटक्का से लगी आग, यहां पर दो घर सहित कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। आग के तेज लपटों के कारण SH-56 पर लंबा जाम लग गया है। अभियान में यहां पर अग्निशमन की गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया है। दरभंगा में भीषण आगलगी की घटना हो गई है। इस घटना में घर सहित दुकान जलकर खाक हो गया है। यहां पर बता दें कि आग बारात के फटक्का फोड़ने की वजह से लगी। घटना सोमवार की देर रात की है। इस घटना में घर रहा पर लाखों का सामान सहित कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। हालांकि इस घटना में किसी की जान की कोई क्षति नहीं हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर अंचलाधिकारी सहित पुलिस भी पहुंची। आग की वजह से SH-56 पर दोनों तरफ से लगभग 1 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। बता दें कि घटना कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड के औराही गांव के दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग SH-56 के किनारे अवस्थित टोले बेलाही बेलही की है, जहां घटना स्थल के पर खासकर पड़ोस के मौलवी के घर में उनके मझले बेटे की शादी थी। इसी दरमियान बारात जाते वक्त खुशी में फटक्का फोड़ा जा रहा था, तभी एक चिंगारी उठी और फूस के बने घर पर जा गिरी। देखते देखते ही अचानक आग की लपटे ने पूरे घर सहित पड़ोस के घर को भी अपने आगोश में ले लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को दिया। इस घटना में मोहम्मद नाजीर और तबारक का घर सहित सब्जी का दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गया है। समझ सकते हैं कि छोटी छोटी दुर्घटना से कितना बड़ा हानि हो सकता है। ऐसे में सतर्कता गई दुर्घटना हुई, खासकर समझना चाहिए लोगों को। और किसी तरह का अगर आप आतिशबाजी करते हैं तो घर से दूर जाकर करें, किसी के घर जो फूस का घर है उससे जाकर दूर जाकर करें, किसी घटना होने से बचें। देखते रहिए भारत उदय समाचार, जगजीत के साथ। नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार पासवान। कैसे आग लगी? सर, एक शादी था ना मौलवी चाचा के घर में, एक बड़े मझले लड़का का शादी था उसी का। किनके घर में? मौलवी चाचा। हाँ। है ना, उसी के घर में एक मझला लड़का का शादी था। हाँ। और वही शादी में बम फटाका फोड़ा, उसी के चलते ये आग लग गया। बारात यहाँ से जा रही थी या यहाँ आ रही थी? जाने वाला था सर, उसी की खुशी में फटाका फोड़ा। और ये ने सोचा अचार संगीता लगा हुआ है, ये सब नहीं करते है, ये सब जान क्यों किया इसको पूछिए। अचार संगीता लगते हुए हमें फिर भी किया था। आपका भी घर जला है? नहीं, मेरा घर नहीं जला है। मतलब आप नहीं जाने के लिए आए? ये है कादिर, कादिर इसी का घर है। इसका घर यहीं पे है, इसी घर में ये ऑटो लगाया था, इसका ऑटो भी जल गया और जितना भी लेबर मजदूर समाज था वो भी। आपका कादिर, कैसे घटना हुई? ये घटना हुई, हम लोग लेबर उबर लेकर के जाते हैं टेम्पू में 10 को, और लेबर को छोड़ करके हम आए। और गाड़ी हमारा दुकान अपना है, ये हम गाड़ी दुकान के अंदर में लगाते हैं, लगा दिए। और उसके बाद हमको ये सब तो दिया दे हुआ, लेकिन हम लोगों को तो फटा हुआ है, तो हम लोग इनकी शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई मतलब नहीं। हम लोग अपना आए लुप्टी करके, मिस्त्री का औजार है, तसला गमला कोदार उदार सब कुछ है, गाड़िए में लौट हम आए। गाड़ी अंदर ताला खोल करके गाड़ी अंदर में कर दिए, ताला मार के हम लोग अपने घर पर चले गए। उसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ा जो घर में आग लग गया, तो हम लोग दौड़े तो देखे आकर के, तो हम लोगों की गाड़ी भी जल गया। यहाँ पे दुकान किस चीज का था? दुकान का सब्जी का, सब्जी का दुकान। क्या सब नुकसान हुआ है? सब्जी उब्जी था वो सब जल गया। गाड़ी कौन कौन सी जली है? गाड़ी जला है, एक टेम्पू जला है मेरा, मजदूर आदमी का जो मजदूरी करते थे। और क्या सब जला? एक स्कॉर्पियो जला, और पिकअप जला, और बस ये तीन गाड़ी जला, और जरना उरना रखा हुआ था सब जल गया। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये सर ऐसे हम छिके से बता सकते हैं कितना का नुकसान हुआ।